नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कोरोना वायरस के फैलने के बाद से ही चीन से तनातनी के बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच जारी तनातनी और बीजिंग की ओर से मिल रही चेतावनियों को दरकिनार करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जो तिब्बतियों को उनके धर्मगुरु दलाई लामा के अगले उत्तराधिकारी को चुनने का हक देता है। इस विधेयक में तिब्बत में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास स्थापित करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की बात की गई है कि अगले दलाई लामा का चयन केवल तिब्बती बौद्ध समुदाय के लोग करें और इसमें चीन का कोई हस्तक्षेप ना हो। तिब्बती नीति एवं समर्थन कानून 2020 में तिब्बती संबंधी कई कार्यक्रम एवं प्रावधानों में संशोधन किया गया है। ट्रंप ने 27 नवंबर को कोरोना वायरस से निपटने के लिए राहत देने और संघीय सरकार को धन मुहैया कराने के लिए 2300 अरब डॉलर के पैकेज के तहत रविवार को इस विधेयक को मंजूरी दी। चीन के विरोध के बावजूद अमेरिकी सीनेट ने पिछले सप्ताह इसे सर्वसम्मति से पारित किया था, जिसमें तिब्बतियों को उनके आध्यात्मिक नेता का उत्तराधिकारी चुनने के अधिकार को रेखांकित किया गया और तिब्बत के मुद्दों पर एक विशेष राजनयिक की भूमिका का विस्तार किया गया। विधेयक के तहत तिब्बत संबंधी मामलों पर अमेरिका के विशेष राजनयिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन कर सकता है कि अगले दलाई लामा का चयन सिर्फ तिब्बती बौद्ध समुदाय करे। इसमें तिब्बत में तिब्बती समुदाय के समर्थन में गैर सरकारी संगठनों को सहायता का प्रस्ताव है। इसमें अमेरिका में नए चीनी वाणिज्य दूतावासों पर तब तक पाबंदी की बात है जब तक तिब्बत के ल्हासा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की स्थापना नहीं की जाती और ये चीन के लिए अमेरिका की ओर से दिए गए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।